que eu sei que tu. Vem cá, mamá, vem cá, mamá, vem cá, mamá, vem cá, mamá. इस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको डिस्क्रिप्शन से बिटमार प्रोजेक्ट को एलाइट मोशन पे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और 9:16 रिजोल्यूशन को सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अब फोटो ऐड हो जाने के बाद जो थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है और फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके फोटो को फुल स्क्रीन साइज पे एडजस्ट कर लेना है। अगर फिर भी आपका फोटो अच्छा से एडजस्ट नहीं होगा तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और आपको स्वाइप या टू मूवलर की सहायता से फोटो को आप लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपना हिसाब से फोटो को एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को आप जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। तो आपको अपना हिसाब से फोटो को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 8 इमेज को ऐड कर लेना है, गैलरी में सेव कर लेना है। इसके बाद आपको जो न्यू प्रोजेक्ट रहेगा इसको आपको डिलीट कर देना है और आपको बिटमार्क को ओपन करना है। अब जैसे आप बिटमार्क को ओपन कीजिएगा, आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको कॉपी लेयर पे क्लिक करना है, फोटो को डिलीट कर देना है। फोटो डिलीट हो जाने के बाद जो दो लेयर रहेगा नीचे पे, ये दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और एक एक करके ऑप्शन को म्यूट कर देना है और आपको पेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को आपको पेस्ट कर देना है। फोटो जो है वो आपका स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 10 सेकेंड पे आना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट इमेज को ऐड करना है। सॉरी गाइस, ये 4.5 साइज में था तो आपको 9:16 रिजोल्यूशन इमेज को ऐड कर लेना है। अब इमेज ऐड हो जाने के बाद प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर करके फोटो को डिलीट कर देना है। फोटो डिलीट हो जाने के बाद जो लेयर रहेगा ये सब लेयर को आपको एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको टोटल आपको 4 लेयर को सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और एक एक करके ऑप्शन को म्यूट कर देना है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कलर एंड फिल वाला, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहेगा और आपको सिंपल सा पेस्ट पे क्लिक कर देना है। और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्क्रीन पे इमेज है वो आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 12 सेकेंड पे आना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके सबसे पहले एक 9:16 रिजोल्यूशन इमेज को सेलेक्ट करके इसका लेयर को कॉपी करना है और फोटो का लेयर कॉपी हो जाने के बाद जो लेयर रहेगा ये सब लेयर को एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इसमें भी आपको टोटल आपको 4 लेयर को सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको लास्ट तक एक एक करके टोटल आपको 8 इमेज को ऐड कर लेना है। जैसे आपका फोटो ऐड हो जाएगा इसके बाद वीडियो बनके आपका रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए राइट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है।